नमस्कार, मैं खड़ा हूं नगर परिषद के अंदर। नगर परिषद के अंदर अक्सर प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स को लेकर बड़ी गफलत सी हो रही है और लोग बाग बड़े आजीज हैं। आइए भाई साहब से जानते हैं कि आज कैंप लगा है, आपका क्या समस्या है? मेरी समस्या है जी, मेरा नाम है जी दीपक, आसी चार तो गेट का रहने वाला हूँ। और पिछले एक साल से मेरे को ये समस्या आ रही है, मेरी एक नो नेम की प्रॉपर्टी थी, मेरे को यहाँ नाम करवानी थी, नाम चढ़वानी थी। उसमें मेरी कभी एक कागज मांग लेते हैं, कभी वो कागज मांग लेते हैं, तीन बार फाइल रिजेक्ट कर चुके हैं। अब चौथी बारी फाइल रिजेक्ट कर दी थी 9 तारीख को इन्होंने। आज मेरे को टाइम मिला तो मैं आया हूँ, कभी ये मेरे को वहाँ भेज रहे, कभी ये यहाँ भेज रहे हैं। अभी ये ना तो मेरे को ये पता ये इन्होंने तो अब तो मेरे कागज ले लिए, ना तो मेरे को ये पता चला भाई इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लगाया, किस लिए रिजेक्ट किया फाइल। आओ मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आप ये प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स की फाइलें ले रही हैं दुरुस्त करने के लिए? ये जनाब क्या कह रहा है कि भी मुझे कोई धक्के खाने पड़ रहे हैं, बताइए बताओ। एक साल हो गया सर मेरे को पूरे धक्के खाते हुए, तीन बारी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। नहीं, आज जो कैंप लगा इसमें क्या दिया आपने? इसमें अब मेरे वही पुराने डॉक्यूमेंट ले लिए जो मैंने पहले ऑनलाइन भी चढ़ा दिए थे, अभी इन्होंने तो डॉक्यूमेंट ले लिए मेरी, अगर उसमें कमी है तो फिर मेरी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सुनिए इसकी, सुनिए पहले मुझे यहाँ से अभी तक कोई वो पता नहीं चला कि मेरी फाइल किस लिए रिजेक्ट हुई थी, तूने ये कागज देना था, तूने वो कागज नहीं। बताइए ये आप BI सर से मिल लो जी, रिजेक्ट क्यों हुई आपकी, उसमें आपके फाइल मैसेज आया उसमें लिख रखा है जी। मैम गए उन्होंने मेरे को कांता मैडम के पास जाने के लिए, मैडम से पूछ लो जी आप, तो मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया। अभी वहाँ भूप सिंह सर पहुंचे हुए, रूप सिंह सर ने मेरे को फिर वही कहा कि वही मैडम के पास चला जाए, वहाँ जमा करवा देगा। मैंने यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी फाइल इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दी। पहले तो ये बताया, पहले आप कागज लेके आओ और हमें दिखाओ। मैं 6 बार यहाँ कागज लेके आ लिया, उसके पास जाओ फिर मैसेज आएगा आपकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है। बताओ क्या करें, अब धक्के खाने लग रहा हूँ 3 महीने से। ये रहा 3 बारी फाइल रिजेक्ट का मैसेज। आओ पहले सीधे चेयरमैन के पास ही चलते हैं, चेयरमैन से आ जाओ, अधिकड़ा जी आओ, दोनों आ जाओ मेरे पास। क्या समस्या है तेरी? मेरी नहीं, मैं जल्द समस्या समाधान करने के लिए। हाँ ये है जी, ये दो ये आए हैं मेरे पास, ये ढिंगड़ा जी हैं साथ में, प्रवीण जी आप बताओ। आओ दीपक है जी। हाँ ये ढिंगड़ा साहब अभी से बात करके गए। हाँ दीपक तू बता भाई, यहाँ बताओ भैया। ये फाइल रिजेक्ट का मामला है सर, 3 बारी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, चौथी बारी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है सर। बेटे क्या दिक्कत है, इन्होंने क्या बताया? दिक्कत है, नो नेम की प्रॉपर्टी थी जी, मेरे को नाम करवानी थी। ठीक है, आपकी नो नेम की प्रॉपर्टी है ना? हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ी सी पहले डिस्टर्बेंस हुई पड़ी है। ठीक है, आप एक काम करो, आप प्रूफ दो अपना रजिस्ट्री का। प्रूफ सारी चीज दे चुका हूँ यार, जब मेरे से पूछ रहे हो तो मैं बता तो रहा हूँ आपको। अब मुझे नहीं पता पहले क्या बेटर था, अब हमने 28 दिसंबर को मीटिंग में पास कर दिया, जो परेशानी थी लोगों की वो दूर कर दिया पहले। ठीक है, अब आप लोग हमारे पास आए हो ना, अब आपको फालतू के कागज़ नहीं देने, सिंपली बता रहा हूँ आपको, सिंपली पेपर, आप अपना प्रूफ, हिस्ट्री है, डिग्री है, जो भी आपके पास है, एक वो कापी, एक जिसके नाम है उसके आधार कार्ड की कापी, और एक एप्लीकेशन लगाओ जो आपका नो नेम का चक्कर है ना वो लगा दो, और एक अपने MC से रिपोर्ट करा दो कि वाकई ये प्रॉपर्टी यहाँ आपकी है, बस गाड़ी खत्म, अप्लाई कर दो। ये इतना जो ये चेयरमैन साहब बता रहे हैं या किसी कर्मचारी ने आपको बताया, जितना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं, कुछ नहीं बताया। अब जैसे पूरी पिछली बार ऑनलाइन चढ़वा रखी थी मैंने फाइल, ऑफलाइन का हुआ नहीं, ऑनलाइन चढ़वाई थी मैंने फाइल। रिजेक्ट हो सकती है जब ऑनलाइन है ऑलरेडी, फिर आप क्या करने आए थे? ऑनलाइन रिजेक्ट का मैसेज ये दिखा रखा है, बताने में फर्क आ रहा है, या तो जो सर्वे की टीम ने सर्वे किया था उसमें लोगों नहीं हो सकता आपका। ये देखो सर, योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड बाय MC। बेटा फिर आपने ये फाइल अप्लाई किया ना? हाँ ये फाइल अप्लाई पहले किया था, पहले इसमें क्या मांग रहे थे, खसरा नंबर मांग रहे थे, नक्शा वहाँ का, लोकेशन का मांग रहे थे, अब वो आपने वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आपको इजी मेथड बता दिया मैंने, 9 तारीख को दिया था सर ये खसरा नंबर। बेटे 28 को मीटिंग की है, अभी इंप्लीमेंटेशन किया, तभी तो कैंप लगाया आपने, लोगों की सुविधा के लिए लगाया। सर ये बताइए लोगों को कि बता रहे हैं, जनता जनार्दन को बताइए कि भी ये तो भाई मिलने के लिए आए बैठे, चाय पानी पीने के लिए आए बैठे मेरे साथ, ये शिकायत वाले नहीं है। नहीं जनता जनार्दन को, एक मिनट रुक जाओ, जनता जनार्दन को बताइए कि ये कैंप का मेन उद्देश्य और ऑब्जेक्ट क्या है। जनता जनार्दन से हम यही बताना चाहते हैं, ये ऑनलाइन की जब खसरा नंबर वगैरह दे दिया वो रिजेक्ट का मैसेज आ गया, वो पहले का बेटर था पहले का। हाँ। अब 28 तारीख को क्या मीटिंग हुई, ऑफलाइन दे रहे हैं तो ऑफलाइन तो आप ऐसे बताता हूँ आपका, क्लेरिफाई करता हूँ। हाँ, जो एरिया नगर परिषद के अंदर है जिसको हम लाल डोरे के नाम से बताया करते हैं, उसके परिषद के हद में आता है, नगर परिषद के हद में आता है, उसके लिए हमने ये सिस्टम बढ़ा दिया कि सिंपल ही असेसमेंट की कॉपी लेंगे हम,
और वहाँ के पार्षद का एक स्थापित सिग्नेचर करवा लेंगे कि वाकई ये लोकेशन जो है लाल डोरे के अंदर है, उससे ऑथेंटिसिटी ले लेंगे। हाँ, और एक आधार कार्ड की कॉपी लेके और सिंपल एप्लीकेशन लेके हमारे फ्री काउंटर पे अप्लाई करवाएंगे ताकि उसको दिक्कत ना आए, कोई और चीज ही मांगेंगे तो उसके बाद दुरुस्त हो जाएगा ये सारा। दुरुस्त हो जाए 100% होगा, किस लिए, इसलिए तो कैंप लगाया, लोगों को सुविधा के लिए लगाया है, क्यों नहीं होगा। चलो हाँ बताओ समस्या। एक सफाई की है सर मेरी, पिछले सुन लो जी, छोरे ही समस्या सुन लो जी। 3 साल से सफाई की समस्या है सर। मेरे को तो 5 मिनट पहले चार्ट दिया आपने, दो से तीन बार सर आपको भी बोल चुका हूं सर। बेटा फिर ठेका तो हो गया, दो एक बार ठेका नहीं है हमारे पास, सफाई का ठेका नहीं है क्या? अभी बुला रहे, कॉल कर रखा है, ठेका नहीं है। फिर ये शहर ऐसे सड़ता रहेगा, सड़ता क्यों रहेगा, काम तो कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट वहाँ करो तो ये यानी कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट करवा रखा है फिलहाल आपने। कैसे जी, ठेका नहीं है तो एक बार कर रखा है थोड़ा चार्ज, स्टॉप गैप अरेंजमेंट जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये कह रहा हूँ कि आपको बता दिया कि टेंडर जो है एक्सटेंशन की हुई है तो कब करवा रहे हैं, जल्दी टेंडर होते हैं करवा दीजिए। सीएम विंडो भी सर दो से तीन बार लगा चुका हूँ सर। सीएम विंडो भी 2-3 बार लगा चुके हैं, कई ऐसे हमें क्लाइंट मिले हैं जो अपना प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स को दुरुस्त कराने के लिए आए, ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई किया, ऑफलाइन अप्लाई किया। 18 तारीख को प्रवीण जी बता रहे हैं कि कुछ नए नियम आए हैं, इस कैंप की वायबिलिटी क्या निकलेगी, क्या इसका यानी कि सही निकलेगा ये तो खुदा जाने। नवनियुक्त सेक्रेटरी राजा राम जी, इनसे जानेंगे कि आज एक कैंप लगा है प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स की प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करने के लिए, दूर करने के लिए, कितने वार्डों का ये कैंप है और कौन कौन से समस्याएं इनको आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं ऑफलाइन या ऑनलाइन फाइल ले रहे हैं इनकी आप? धन्यवाद सर, जो हंसी की आवाज़ ने आज पब्लिक की जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करने के लिए मेरे को आमंत्रित किया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 27, 28, 29 तीन दिन का ये कैंप है। इस कैंप के दौरान जो हमारे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित जो भी आईडी हैं उनमें जो कमियां रह गई हैं उनका 3 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे और साथ के साथ इनका निपटान किया जाएगा। जैसे किसी की प्रॉपर्टी में नाम नहीं है, अननेम है, किसी का एरिया ज़्यादा है कम दिखा रखा है, कम है ज़्यादा दिखा रखा है, किसी ने अपना डेवलपमेंट चार्ज भर रखा है और उसमें दिखाया हुआ है, प्रॉपर्टी से संबंधित जितनी प्रकार की भी जो त्रुटियां हैं जो उनको त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार के आदेश अनुसार ये 3 दिन का कैंप लगाया गया है। एक यासी कंपनी आई थी और उससे सारा ही सर्वे गलत हो गया था, उस सर्वे को दूर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा आज ये जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आप? हमारी कोशिश रहेगी कि ये 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को बुलाया जाए और हम भी प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनको दुरुस्त किया जाए। नहीं सर, फाइल तो आज ले लेंगे, ये दुरुस्त कितने दिन में हो जाएगी? साथ के साथ ही इनका निपटान करेंगे, प्रतिदिन निपटान करेंगे। आज जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और इतनी फाइल होगी तो ये कितने दिन आज ही हो जाएंगे क्या? लगभग के नाम आज कर देंगे, बाकी थोड़ी जो रहेंगी तो कल कर देंगे, जो आती रहेंगी साथ के साथ इनका निपटान करते रहेंगे। यानी कि आगे फर्दर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी तो भी इनका आगे सोल्यूशन करेंगे, अगर किसी रहेगी समस्या तो प्रॉपर्टी इनकी है, जैसे कुछ लोग इस कैंप में नहीं पहुँच पाएंगे तो उनके भी आगे करते रहेंगे सरकार के आदेश में। सर सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, आप टेंडरिंग नहीं खुले हैं सफाई के, ये कब खुलेंगे बताओ? श्रीमान जी, यहाँ हमारे नगर परिषद हांसी के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर का पद खाली था और 25 तारीख को हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है संजय सिंह ने ज्वाइन किया है और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको मैं निर्देश भी मैंने उनको दे दिए हैं कि शहर में वे ज़्यादा से ज़्यादा जो सफाई है, जो गंदगी के अंबार पड़े हैं वे ज़्यादा सफाई करवाएं। आपका डोंगल काम करने लगा क्या? हमारा जो मेरा जो विकास कार्यों के लिए जो डोंगल है वो क्या नाम है वहाँ से पुंडरी जो जहाँ से मैं स्थानांतरण होकर आया हूँ, जहाँ से मैं ट्रांसफर होकर आया हूँ उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर होगा, जल्द ही क्या नाम विकास कार्यों के लिए जो भी
निर्देश प्राप्त होंगे सरकार से या जो बॉडी से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनके अनुसार जल्द से जल्द विकास कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे। विधायक महोदय रोजाना नारियल तोड़ते हैं, क्या उनके टेंडर उठ चुके हैं जिनके नारियल टूटे हुए हैं? जी, विधायक जी ने जो के नाम है अपने जो विकास कार्यों के लिए जो उद्घाटन किया है उनके काम जल्द से जल्द शुरू करवा दिए जाएंगे। टेंडर तो नहीं उठे ना? टेंडर उनके उठ जाएंगे, अभी के नाम खुलने हैं उनके, खुलने बाकी हैं। देखिएगा कि ये राजा राम जी का कहना है कि हमारा 3 दिन का ये कैंप है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों के ग्रीवेंसेस दूर हों प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स से संबंधित। विधायक महोदय ने इनका कहना है कि जो नारियल तोड़े हैं विकास कार्यों के उनके अभी टेंडर नहीं छूटे हैं, जैसे ही डोंगल मेरा वहाँ से फारिग होकर आएगा मैं टेंडरिंग करवा दूँगा इन कार्यों की। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, राजा राम जी एक अच्छे अधिकारी हैं, इनसे हमारी बातचीत।